नाल खा लेते हैं थोड़ा सा नानी का वही सर आप नानी का वही सर नानी तो थोड़ा सा थोड़ा ही खाना है अमनो डायबिटीज वाला है ना फोटो वाला ये ऐतिहासिक क्षण आज 959 सूबेदार उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर का रिजल्ट आउट हुआ है और आप सब लोग हम लोगों को सरकार को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल सेवा करना है, आज सरकार हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, हमको इसको ग्रैब करना है और अच्छे से सेवा करना है। आगे ये है कि ये कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम पोस्ट था, मुझे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। आज बहुत ही खुशी वाला दिन है हम सभी के लिए जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 आज तक की सबसे बहुप्रशिक्षित जो है भर्ती होगी, क्योंकि 7 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और सब इंस्पेक्टर और अन्य पदों पर इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था। लगातार इस पर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है, रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। 975 पदों पर जो परीक्षा हुई थी उसमें 959 पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बाकी पद जो है गर्भवती जो महिला कैंडिडेट और अन्य लोग हैं उनके लिए आरक्षित है। तो सभी चयनित अभ्यर्थी हमारे साथ खड़े हैं, अब जितने भी लोग देख रहे हैं सभी जो है चयनित हैं और सभी को अब आगे जाके सब वर्दी पहनेंगे, देश की सेवा करेंगे। तो सीधे इनसे ही बात करेंगे। 7 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी, काफ़ी लंबा आंदोलन था, आप लोग सड़क पर बैठे, भीख मांगा आप लोग ने, रात रात भर सड़क पर सोए, अब कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत रिलीफ फील हो रहा है। पहली बात तो मैं ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए समस्त मीडिया वाले को और ख़ासतौर पर IBC 24 को मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा साथ दिए और आज रिजल्ट आ गया। क्या अभी क्या चल रहा है दिमाग में? अब तो सेवा करना है राज्य की। जी बिल्कुल सेवा करना है, आज सरकार हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, हमको इसको ग्रैब करना है और अच्छे से सेवा करना है। क्या चल रहा था दिमाग में, क्योंकि कब निकलेगा हर बार आश्वासन मिल रहा था, लेकिन आखिरकार दिवाली में बड़ा उपहार मिला है। बहुत लंबा इंतजार था सर, बहुत ज़्यादा लंबा, जो 6 साल का इंतजार था आज ख़त्म हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतना जो लंबा इंतजार था, इतना जो संघर्ष था, आज हमारा वो खत्म हुआ, आज फाइनल लिस्ट आया। क्या नाम है आपका, किस पद पे गए? मेरा नाम मुकेश साहू है, मैं प्लाटून कमांडर के पद पर चयन हुआ। क्या चल रहा है दिमाग में अभी? एकदम दिमाग सुन है, एकदम खुशी का है, जो आज जो संघर्ष था वो पूरा हो गया अपना। और मैं IBC 24 जितने भी मीडिया के बंधु थे, जितने भी संदीप भैया थे, सबको मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारी मुद्दा को हमारे जो सरकार तक पहुँचाया और आज इस रिजल्ट आज निकल गया आप लोग के सहयोग से। बिल्कुल, देखिए लगातार मीडिया ने कवरेज किया, IBC 24 ने भी किया और हमने तो पहले ही 12 घंटे पहले हमने ब्रेक कर दिया था कि रिजल्ट निकल जाएगा 28 तारीख को, हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी रहती है। क्या नाम है आपका, किस पद पे हुआ है? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, मेरा सभी सेक्टर पद पर चयन हुआ है। ये जो भर्ती 2018 थी ये बहुत ही तकलीफ भरा हो गया था हम लोग के लिए, बहुत दर्दनाक टाइप से लग रहा था, तैयारी पूरा था लेकिन रिजल्ट निकाल नहीं रहे थे लोग, तो फिर अब तो निकाल दिए हैं। सरकार को क्या कहना चाहोगे भाई? सरकार देखिए भाजपा की सरकार है, राजनीति का भी बहुत आरोप लग रहा था, लेकिन अब तो निकल गया, क्या वही हाई कोर्ट में बहुत लंबित था तो फिर निकल नहीं पा रहा था, लेकिन अब निकल गया तो हम सरकार का पूर्ण सहयोग करते हैं। कहाँ से हो आप? मैं रायखेड़ा से हूँ, मेरा गाँव यहीं रायपुर में ही है रायखेड़ा। क्या सोचा है आपने, सेवा करनी होगी अब तो ईमानदारी से, नक्सली के गढ़ में भी जाना होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है, मैं सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ हूँ। हम तो शुरू से ही सरकार की सेवा ही करने चाहते थे, इसलिए शुरू से हमने अनुरोध किया है सर से कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द आए। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं तो बहुत दबाव तो होगा जब रिजल्ट नहीं निकल रहा होगा। दबाव तो था लेकिन कभी माता पिता ने नहीं बोला है, उसने हमेशा सहयोग दिया है कि आप पढ़िए, आज नहीं तो कल आएगा, सब अच्छा होगा। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी भी फार्मर हैं, वो किसानी करते हैं। क्या कैसे करते थे मैनेज आप लोग, मतलब घर में जवाब क्या देते? वही रिजल्ट अब आ जाएगा 15 दिनों में, आ जाएगा 15 दिनों में, चल रहा था यही। वार्निंग भी तो दिए होंगे। हाँ, अब इस बार हो जाएगा ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आ गया रिजल्ट, अब अच्छा लग रहा है। आ गया। क्या नाम है आपका, किस पद पे हुआ और घर वाले क्या करते हैं, अभी बताइए। मेरा नाम सौरभ पंसारी है और मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। SI की तैयारी मैंने जब से चालू की थी तब से मेरे पिताजी का पान दुकान है, तो उन्होंने देखा था और हाल ही में अभी फरवरी में उनकी मतलब निधन हो गया था। अभी मम्मी के साथ रहता हूँ मैं, मतलब मम्मी भैया हैं और दीदी भी है, एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन है। तो आज जो है सुबह सुबह जब रिजल्ट आया तो मैं रोने लग गया था, तो मम्मी फिर बोलती हैं क्यों रो रहा है, तो फिर मैं बताया कि सब इंस्पेक्टर बन गया करके, तो बहुत खुशी मिल रही है कि इतना लंबा संघर्ष जो है आज अंत हुआ है उसका। क्या सोच के रखा है आपने? क्या
क्या सोच के रखा ड्यूटी को? आगे ये है कि ये कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम पोस्ट था कि एसआई जो है ड्रीम पोस्ट था हमारा, कि आगे ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ। बस ये है जो हमें अभी ट्रेनिंग में जो सिखाया जाएगा कि इस पोस्ट में जो भी वैल्यू है, वैसे तो पता ही है, लेकिन मतलब राज्य की जो है सेवा करना है, राज्य की सेवा करना, घर का सहारा बनना, घर की। हाँ हाँ, घर में अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो मेरे फैमिली में तो मैं ही फर्स्ट मतलब हूँ जो एसआई बनेगा या किसी भी तरह के पुलिस के जॉब में जाएगा। चलिए बहुत बधाई हो आपको। देखिए घर का सहारा बिल्कुल बनना है, फरवरी में बता रहे हैं पिताजी का निधन हुआ है, फीमेल कैंडिडेट है हमारे साथ, बहुत बधाई हो आपका। क्या नाम है, किस पद पे गए हैं? सर मेरा नाम निधि गुप्ता है और मुझे सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। आज बहुत ही खुशी वाला दिन है हम सभी के लिए, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने आज सुबह ही हम लोग को शुभ समाचार दे दिया हम लोग को, तो तहे दिल से। टफ होता है महिलाओं के लिए, देखा है आपने, नक्सलगढ़ में भी जाना रहता है, धूप में खड़े होकर धरना प्रदर्शन जो आप लोग करते थे उसको महिला अधिकारी भी रोकती थी आप लोगों को, मतलब जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत टफ रहेगा, क्या सोच के रखा है? जी सर, ये तो उनका काम है महिला अधिकारियों का, जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, जो उनको ऑर्डर मिलता है बड़े अधिकारियों से, वो हमको भी मिलेगा तो हम भी उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इनमें उनकी कोई गलती नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी ने बहुत अच्छे से क्या करती हैं हम घर में क्या करते हैं सर? मैं अभी वर्तमान में कांकेर में सहायक शिक्षक के पद पर पोस्टेड हूँ और ये अभी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शिक्षक छोड़ेंगे आप? जी सर बिल्कुल, मैं सहायक। तो आराम का जॉब है लेकिन? आराम का जॉब है लेकिन मुझे चुनौतीपूर्ण कार्य करना बहुत पसंद है सर, इसलिए मैं यहाँ आंदोलन में भी आती थी। तो सहायक शिक्षक हैं, आंदोलन करी हैं, उसके बावजूद अब जो है वर्दी पहनेंगी, नक्सलियों से लड़ेंगी, राज्य की सेवा करेंगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम नितिन चंद्रन सिंह, मैं कवर्धा जिले से हूँ। अच्छा, गृह मंत्री के जिले से? तो पहले पता लग गया होगा आपको क्या? नहीं पहले पता नहीं लगा है। आईबीसी से पता लगा कि नहीं? हाँ, जो मीडिया में आया था सूचना उसके जानकारी मिला है, लेकिन बीच में भी है एक बार कॉल करके हमको बोले थे कि सब ठीक है और अच्छे से होगा करके। और मैं गृह मंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी समस्या को सुने वो और तत्परता से वो इस काम में लगे हुए थे, कि भी आश्वासन भी दे रहे थे कि समय आ जाएगा, कुछ त्रुटियां हैं उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं करके। अच्छा, घर वाले क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं जी, ज़्यादातर लोग किसान हैं, पिताजी सब काम, मतलब कोई बहुत बड़े फैमिली से नहीं है? नहीं, सब मध्यम वर्ग से है, कुछ लोग निम्न वर्ग से भी है, ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग। तो सभी कैंडिडेट को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो सिलेक्ट हुए उन लोग को भी, और मीडिया कर्मचारी। आप साथ में आए हैं, कैसा रहा लंबा समय संघर्ष? हर चीज़ बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही एकदम ज़्यादा, सब लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा। खतरे वाली जॉब है लेकिन? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश बघेल है। आकाश बघेल बहुत अग्रेसिव रूप से बहुत धरना आंदोलन में रहते थे और बहुत आप गरियाए भी हो व्यवस्था को, अब तो लेकिन रिजल्ट निकल गया, क्या कहेंगे आप? और आकाश का किस पद पे हुआ है? मेरा सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है और मैंने सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत विरोध किया, विरोध इसलिए सिस्टम का विरोध इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं 6 साल से मेहनत किया हूँ और मुझे मेरा मेहनत का फल चाहिए था, इसलिए मैंने बहुत संघर्ष किया, हर तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अपना प्रयास किया और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि अंत में जाके उन्होंने हमारे सुना। हमने बोला भी था कि निर्विवाद रूप से जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तब सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी निष्कंटक और अच्छे तरीके से आपको का रिजल्ट आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद एचएम सर का और जितना भी मेरे मीडिया भाई बंधु हैं जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर IBC 24 का। तो सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई IBC 24 की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से पूरी तत्परता के साथ राज्य के साथ देश की सेवा करेंगे। बस अब इंतजार है, दिवाली का उपहार मिल चुका है, कब इन्हें ज्वाइनिंग मिलती है, कब ट्रेनिंग में जाते हैं और वर्दी पहन के कब ये फिर फील्ड पे आते हैं। IBC 24 लगातार इन चीज़ों को दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।